नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। बस एक लाइन आपको अपने पार्टनर को बोलनी है। अगर रिलेशनशिप खराब चल रहा है तब भी आपको सिर्फ एक लाइन बोलनी है और उसके बाद चुप हो जाना है। उसके बाद शांति से मैनिफेस्ट करना है और देखना सामने वाला तड़प करके आ जाएगा यार आपके लिए। ठीक है, तो क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या करना है, ये सारी बात मैं अभी बताती हूँ आपको। तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनकी बात तो हो रही है लेकिन रिलेशन जो है वो खराब है, जो रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं लेकिन रिलेशन बीच में ही अटका हुआ है, हस्बैंड वाइफ हैं लेकिन रिलेशन खराब है, पार्टनर है रिलेशन के अंदर एक दरार आ गया है, कमिटमेंट का प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है लेकिन बात होती है आपकी। ठीक है, वहां पर एक बात ही आपको बोलनी है, उसके बाद चुप होना है। ऐसा नहीं है कि उसके बाद आप फिर भी लगातार बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपको एक बात बोलनी है, उसके बाद आपको मेंटली बातें बोलनी है, यानी कि आपको डायरेक्टली मैनिफेस्ट करना है एनर्जी लेवल पे। ठीक है, तो अगर खराब चीजों में चीजें चल रही हैं तो अब नेक्स्ट आपकी जो भी बात हो, जब भी बात हो, तो कोशिश करें अपनी तरफ से आप पॉजिटिव रहेंगे। सामने वाला इंसान कुछ भी आपको बोल रहा है, एकदम शांति से आप पॉजिटिव रहेंगे। आपको सिर्फ एक लाइन बोलनी है उनको, एक सेंटेंस, इंजॉय योर लाइफ। ठीक है, इसके बाद एकदम से चुप हो जाइए और ये ऐसे बोलना है आपको कि यस, आप उन्हें सलाह दे रहे हैं, इंजॉय योर लाइफ, इंजॉय योर लाइफ। ठीक है, बिल्कुल एकदम पॉजिटिव नोट में आपकी जो बातचीत होनी चाहिए, आपकी तरफ से जो बातचीत होनी चाहिए वो एकदम पॉजिटिव होनी चाहिए, एंड आपका लास्ट सेंटेंस ये होना चाहिए, इंजॉय योर लाइफ। अब आते हैं डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन पे। ठीक है, आपको क्या करना है, जब आप चुप हो गए, आपने क्या बोला है लास्ट सेंटेंस, एंजॉय योर लाइफ, अब आप जब वापस आते हैं इस सेंटेंस को आपको मिरर में दिख रहे इंसान को बोलना है। शीशे के सामने जाइए और अब इस इंसान की आंखों में आंखें डाल करके बोलिए, एंजॉय योर लाइफ बेबी, मैं तुम पर बहुत प्राउड करती हूं, करता हूं आज तुमने जो किया है। तो इसमें क्या होगा, आप सामने वाले को सेम एनर्जी दे करके बातचीत को रोक चुके हैं और अब अपने आप को वो एनर्जी दे रहे हैं कि इंजॉय करिए आप अपनी लाइफ को। आपको अपने ऊपर प्राउड हो रहा है कि आपने पॉजिटिव नोट पर ले जा करके उस इंसान को एक ऐसी सलाह दी है कि उसी सलाह के साथ आप खुद भी अपने आप से बातें कर रहे हैं, और अब इस मौके के बाद आपको सीरियसली इंजॉय करना है अपनी लाइफ को, इंजॉय करना है, और कहां कहां जहां गड़बड़ हो सकती है वहां पर आपको कैसे इंजॉय करना है। नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आप बहुत नेगेटिव हो गए हैं, आपको खराब लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है यार मैं मिस कर रही हूं, मैं मिस कर रहा हूं। आपको शांत होना है और आपको क्या डिसाइड किया था कि इंजॉय योर लाइफ मैंने अपने पार्टनर को भी बोला है और इंजॉय योर लाइफ मैंने अपने आप को भी बोला है। तो जब हम दोनों लोग इस लेवल पे खड़े होंगे कि वो भी उसी इंजॉयमेंट के साथ में, मैं भी उसी इंजॉयमेंट के साथ में एक ही जगह पर खड़े होंगे, तो हमारा जो मैनिफेस्टेशन है वो कंप्लीट होगा। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, मुझे हैप्पी सोचना है, मुझे भी कुछ नहीं करना है। जो मैसेज के साथ मैंने उस इंसान को उस जीवन के लिए छोड़ा है, सेम जीवन मैं भी जी रही हूं। तो आपको जीना है, आपको हैप्पी होना है, अपनी ग्रोथ पर काम करना है, इंजॉय करना है, सीरियस लेवल पर अपनी लाइफ को इंजॉय करना है, हर पल को इंजॉय करना है, हर दिन को इंजॉय करना है, हर मोमेंट को इंजॉय करना है, अपनी लाइफ में जो जो एरिया आते जा रहे हैं उन सब पर ग्रोथ करनी है, अपने आसपास के सारे रिश्तों को अच्छा बनाने की कोशिश करनी है, जो रिश्ते आपके बिल्कुल अच्छे नहीं बन पा रहे हैं उनसे थोड़ी सी दूरी बना लेनी है, जो भी आपके आसपास में टॉक्सिक लोग हैं और आपको लगता है कि आप उन्हें अपनी लाइफ में से निकाल सकते हैं, आप उस बीच में उन्हें भी निकाल दीजिए। जब आपने सामने वाले को बोला है एंजॉय योर लाइफ और आपने अपने आप को भी बोला है बेबी एंजॉय योर लाइफ, तो आप थोड़ा सा पीछे हो जाइए, सामने वाले जो आपके पार्टनर है उनको भी थोड़ा सा पीछे कीजिए, और इसके बीच में जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं उनको कोशिश कीजिए, जो आप रिमूव कर सकते हैं रिमूव कीजिए, जिनके साथ आप अच्छा बना सकते हैं अच्छा बनाइए। नेगेटिव थॉट्स आते हैं सामने वाले इंसान के लिए, बोलिए कोई बात नहीं, लेकिन रिप्लेस करते जाना है। ठीक है, नेगेटिव आ रहे हैं, आप मिस कर रहे हैं, लेकिन आप रिप्लेस कर रहे हैं, यस आई मिस यू, क्योंकि वो अच्छे वाले मोमेंट्स हमने जिए हैं, यस आई मिस यू, क्योंकि हमने अच्छे दिन भी बिताए हैं, यस आई मिस यू, क्योंकि आप भी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो, मैं भी अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ, हम अलाइनमेंट में आ रहे हैं, यस आई मिस यू, क्योंकि अब हम दोनों बहुत जल्दी एक ऐसे मोड़ पर मिलने वाले हैं जहां आप भी इंजॉय कर रहे होंगे, मैं भी इंजॉय कर रही होंगी, और वो इंजॉयमेंट इंजॉयमेंट जो है वो मिक्स हो जाएगा, मैच हो जाएगा, और हमारा रिश्ता
कमाल का हो जाएगा। लेकिन आप अगर इसका उल्टा करते रहते हैं, एंजॉय योर लाइफ के बाद आप अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर रहे, तो देखिए आप जो बोल करके आए हैं और आप जो कर रहे हैं वो एक अलग रोड है, ये एक अलग रोड है। फिर आपके मैनिफेस्टेशन में आपको खुद ही पता है कि आपको क्या मिलने वाला है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक वाला नियम हम यहाँ पर अपनाने वाले हैं, तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए ही वीडियो है जिनकी बात तो हो रही है लेकिन चीजें खराब हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से इजी वे में जा करके मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और वो बोलने के बाद में एकदम से चुप हो जाइए, सामने वाले को लगे यार बोल करके कहाँ चली गई, खुद अपनी लाइफ एंजॉय कर रही है क्या? हाँ, आपको ये बताना है कि आप अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। आप उस तरीके के स्टेटस, उस तरीके की चीजें, उस तरीके की बातें, जहां पर भी आप दोनों एक दूसरे के साथ में कांटेक्ट में हैं, सोशल मीडिया मीडिया में एक दूसरे के साथ में कांटेक्ट में हैं, उनको लगना चाहिए कि यार वो आपको सिर्फ बोला नहीं गया है, आप खुद भी वो लाइफ जी रहे हो। नॉर्मली हम क्या करते हैं, ब्लॉक होने तक का इंतजार करते हैं, वो नहीं करना है। आपकी बातचीत हो रही है, यहाँ पर एकदम फुल स्टॉप लगाओ एंड देन आप देखो कि सामने वाला कैसे कैसे एक्शन लेगा, क्योंकि आपने बहुत पॉजिटिव नोट पर ले जा करके वो अगली बात को छोड़ा है। देखिए मैनिफेस्टेशन है ना, काम करता है, बस आपको सही तरीके से उसको फॉलो करना आना चाहिए। इस बीच में सामने वाला इंसान आएगा भी आपकी जांच पड़ताल करने, आपसे बात करने, आपका एक ही काम होना चाहिए, बेबी इंजॉय योर लाइफ। मैं आपको भी वही लाइन बोलूंगी हर बार, मैं अपने आप को भी वही लाइन बोलूंगी हर बार। सामने वाला अगर बार बार आपको चेक करने आता है, ट्राई करता है, फिर वही नेगेटिव बात होती है, आपकी एक ही लाइन होनी चाहिए, एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय योर लाइफ। सामने वाले को लगेगा तकिया कलाम बना लिया क्या? यस, तकिया कलाम बना लिया। मुझे भी लाइफ एंजॉय करनी है और दूसरों को भी मौका देना है एंजॉय करने का लाइफ, पार्टनर्स को भी लाइफ एंजॉय करने का मौका देना है। जबरदस्ती नेगेटिविटी को अपने गले की घंटी बनाने की जरूरत नहीं है, आप उसको एकदम पॉजिटिव वे में भी कर सकते हैं। अगर आप सेम सेम करेंगे तो बहुत तेजी से आप अट्रैक्ट कर लेंगे, है ना, एकदम धांसू और अलग वाला तरीका। ट्राई करके देखिए, सिर्फ एक सेंटेंस बोलना है क्या, इंजॉय योर लाइफ, और वही सेम सेंटेंस आपको अपने आप के लिए भी बोलना है क्या, इंजॉय योर लाइफ। एक सेंटेंस और लगा दीजिएगा उसके साथ में, प्राउड करती हूँ भाई मैं तुझ पे, प्राउड करती हूँ बहन मैं तुझ पे, अरे क्या बात है, इंजॉय कर रही है लाइफ, तो करनी है। ठीक है, कोई नाटक नहीं, रियली में आपको अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। फिर आप देखेंगे कि आपकी वो वाइब्रेशन कितनी तेजी से सामने वाले इंसान को अट्रैक्ट करवा देती है। एक ही लाइन जब भी आए, एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय योर लाइफ। दिखा भी रहे हैं ना तो यही दिखा रहे हैं, इंजॉय करें। अब ऐसे नहीं आंसू पोंछ के, मेकअप करके, लिपस्टिक लगा के ही मैं इंजॉय करी, नहीं भाई, वो वाइब्रेशन आ जाती है, फोटो आप कैसी भी लगाओ। ठीक है, रियल वाला होना चाहिए। ठीक है यार, क्या हो गया है, रिलेशन ही है, हमने तो हवा बना दिया, हम तो इतना सीरियस मैटर बना दिया, सीरियस लोग बस हॉस्पिटल में, ठीक है यार, हम उनके लिए प्रे कर रहे हैं, हम लव में भी सीरियस हो गए, क्यों? लव तो एंजॉय करने की चीज है, खुश होने की चीज है, तो हम इसमें पड़े भी हैं, विरह में भी हैं, वेदना भी हो रही है, तब भी हम खुश हैं, क्योंकि प्यार खुशी देता है, ये बात याद रखिएगा, और सामने वाले को भी हमें खुशी देने का मौका देना है, ये याद रखिएगा, एंड देन देखिएगा कितनी तेजी से होता है आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट। अपने अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल, टाटा।